Assalamualaikum guys, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. और अभी जो यहाँ पर डिनर कर रहे थे, 21 अक्टूबर का व्लॉग है. मैं साथ में डेट इसलिए बोलती जा रही हूँ क्योंकि मैं भूल रही थी कब का व्लॉग है, इसलिए याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ. और डिनर कर रहे थे अब हम सब लोग. यहाँ पे बाजी ने बनाए थे पराठे और उसके साथ जो चिकन था. तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मेरा दिल स्पाइसी खाने का कर रहा था. पेमेंट सिस्टर से कहा कि कुछ स्पाइसी बना दें. और गाइस इंट्रो तो आपने देख लिया होगा. देन कल से मैंने इसका व्लॉग का स्टार्ट किया है, व्लॉग को 21 अक्टूबर से. और बस आज है 22 अक्टूबर और आज जो है वो सैटरडे है. और अभी जो है पेपर देकर आई हूँ मैं, नहीं आज मैं सॉरी आज पेपर देकर आई हूँ अभी नहीं. और बस 1:30 तक मैं घर पर थी और आने के बाद जो है वो मैंने लंच किया था. ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया था तो बस डायरेक्ट मैंने लंच कर लिया था. और उसके बाद जो है वो थकावट बहुत हो रही थी मुझे तो इसलिए जो है वो मैं बस ऐसे ही लेटी हुई थी. और उसके बाद जो है वो मैंने फिर जो है वो शाम में खाना खाया. मुझे बड़ी भूख लग रही थी तो फिर भाई और मैंने ऑमलेट, और बच्चे यहाँ पर आवाज़ कर रहे हैं तो मैं और भाई ने जो है वो ऑमलेट बनाकर जो है वो खाना खाया. चावल बने हुए थे और बस ऑमलेट ना दाल चावल के साथ बड़ा अच्छा सूट होता है, मैच अच्छा होता है. तो और कभी सिंपल सा खाना हो तो यही खा लेते हैं हम. और अभी जो है वो शाम का टाइम है, 6 बजे का टाइम है. और जितने भी व्लॉग्स आपको नहीं मिल रहे ना वो जल्दी से इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी. लेकिन ये अक्टूबर और नवंबर के मिड तक मैं एक एक करके ये सारे व्लॉग जो आपको मैंने अपलोड नहीं किए वो अपलोड करती रहूँगी. और फिर जो है वो अभी बात लेने जाऊँगी, मैं शॉवर लेने जाऊँगी. और पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये जो है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है. अनाउंसमेंट जो स्पीच इस शायद दे रहे हैं यहाँ पे नेशनल पॉलिटिशियन जो है वो आ रहे हैं आज. तो बस वो ना नेशनल पार्टी के सीनियर पॉलिटिशियन है तो बस वो आ रहे थे आज. तो बड़ी ट्रैफिक वगैरह यहाँ पर रखी हुई थी रास्ते में. और बस मैं शावर लेकर आपसे आकर मिलती हूँ. और ये 25 अक्टूबर का व्लॉग है, ट्यूसडे. और यहाँ पर जो है वो अभी मैंने झाड़ू दी है, क्लीनिंग की है. अभी 1:25 का टाइम हो रहा है. आज जो है वो काम लेट हो चुका है, बहुत लेट हुआ है आज काम करने में क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी की भी नहीं है, सिस्टर की तो बहुत ज़्यादा ख़राब रखी है. और फिर जो है वो फिर क्लीनिंग की. सुबह में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, मसूर की दाल और चावल थे. और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो मैं अम्मी मिलकर आराम कर रहे थे. और यहाँ पर जो सिस्टर ने अपने कपड़े भी स्टिच करने के लिए कट करके रखे थे लेकिन फिर तबीयत उनको कोल्ड बहुत ज़्यादा हुआ है तो फिर वो आराम कर रही हैं. और मेरी जो है वो हॉलीडेज़ पे मैं हूँ, मतलब गैप आता है ना एग्ज़ाम्स में तो बस गैप हॉलीडेज़ पे हूँ मैं. और अब जो है वो एक दिन बाद मेरा सेकेंड लास्ट पेपर है, उसके बाद फिर डायरेक्ट 31 अक्टूबर को मेरा लास्ट वाला पेपर रहेगा इंग्लिश का. तो फिर नवंबर से जो है वो रूटीन कॉलेज की जैसी थी वैसी उसकी क्लासेस चलेंगे 1 नवंबर से. और यहाँ पर चेक करें मेरे नेल्स की हालत, बिल्कुल भी इन पर मेहंदी नहीं लगी क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है. लेकिन जब भी सोचती हूँ ना कुछ हो जाता है. नेल्स पे मेहंदी लगाने का सोचती हूँ तो या तो बिज़ी होती हूँ या तो मन नहीं करता, तो बस ऐसे ही रख देती हूँ. और आज जो है वो काम करने में लेट हो चुकी थी, क्लीनिंग वगैरह भी मैंने अब की है. और बर्तन धोने थे फिर मैंने अम्मी को कहा कि वो ना धोएं तो फिर मैंने ही बर्तन धोए थे. और यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन कर लिए थे, थोड़ा सा मैं कुकटॉप भी क्लीन कर लूँगी. और ये बर्तन ना एक टाइम पे अगर ना धो तो इतने ज़्यादा ये हो जाते हैं खड़े धोने के लिए तो फिर जम जाते हैं इतने ज़्यादा. तो फिर मैंने इसे धो लिए सारे बर्तन, प्लेट्स बहुत रखी थी तो फिर सबको धो लिया मैंने. और यहाँ पे जो है वो जर्दा रखा हुआ था, ये ना अपू के जो है वो और अपू के पहचानत में ना उनकी पहचानत के या फिर उनके फ्रेंड कह सकते हैं तो उनकी लड़के का हुई थी एंगेजमेंट, सॉरी उनकी सिस्टर की एंगेजमेंट हुई थी. और बस उसलिए जो है उन्होंने बहुत जो
क्या कहते हैं वो इंगेजमेंट पे जो चढ़ाते हैं दुल्हन को, तो फिर वो उन्होंने मिठाई वगैरह दी थी, ज़र्दा दिया था और ज़र्दा बहुत टेस्टी था। वैसे मैं ज़र्दा खाती नहीं हूँ, बनाती भी नहीं है, लेकिन ज़र्दा टेस्टी बड़ा था और बस वो मैं खा रही थी। और बहुत सी चीज़ें दी थी उन्होंने, इंगेजमेंट थी उनकी, तो फिर उसके ये। और यहाँ पे देख लें, ये मैंने मसाले में ये निकाल कर रख रही हूँ क्योंकि सिस्टर और अम्मी ने कहा कि वो नहीं बनाएंगी खाना, तो फिर मैंने कहा कि चलो चिकन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं कुछ, यहाँ पर आप पहले नोटिस किया होगा आप लोगों ने, मैंने कबाब चिली ले ली थी लेकिन फिर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया लॉन्ग से। तो यहाँ पर मैंने लिए थे तकरीबन 9 काली मिर्चें और फिर 5 से 6 लौंग लिए थे, 2 यहाँ पे मैंने लिए थे, 2 रेड चिलीज ड्राई वाली और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया था। इन सबको ना मैं, हाँ 2 मैंने सिनेमन स्टिक्स ली थी, चकला जिसे कहते हैं या फिर हाँ चकला जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो इसे ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया। ये बड़ी मज़ेदार इसकी रेसिपी बनती है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है फ़ोन में देखकर रेसिपी, तो बड़ी टेस्टी बनी थी। मैं भी सोच रही थी कि ये कैसी बनेगी क्योंकि इसका नाम जो है वो बड़ा अजीब सा रखा हुआ है, पहाड़ी चिकन, तो इससे ना इसका मज़े का, इसका मतलब टेस्ट का इसका नहीं मिलता कि ये कैसा बनेगा कैसा रहेगा, लेकिन इसके नाम पे ना जो है बनता बड़ा टेस्टी है ये। और यहाँ पे मैंने भी फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, सॉरी फर्स्ट टाइम मैंने इसे ट्राई किया था। और यहाँ पे मैंने इसे इसमें 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया, धनिया पाउडर। इसमें कोरिएंडर जब ग्राइंड करते हैं तभी डालनी होती है साबुत वाली, लेकिन मेरे पास धनिया नहीं था साबुत, तो फिर मैंने पाउडर से उसे रिप्लेस कर लिया। आपके पास हो तो आप डाल लें और बड़ी टेस्टी बनती है, आप ज़रूर बनाएं। और इस तरह का दरदरा इसका पेस्ट, सॉरी पाउडर बना लें, फाइन पाउडर ना बनाएं। और बस ये बड़ी टेस्टी बनती है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। मैं वैसे कुकिंग नहीं करती लेकिन आज मैंने की है तो बड़ी अच्छी बनी है ये। मैं भी सोच रही थी कि ये कैसी बनेगी लेकिन बहुत जबरदस्त बनी थी। और यहाँ पे जो है वो फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। जब आप इसे ग्राइंड करते हो ना तो तभी इसमें लहसुन की कलियाँ और जिंजर का पीस डाल दें, तभी डालना होता है। लेकिन मेरे पास ग्लोव लहसुन अवेलेबल था लेकिन जिंजर नहीं था, इसलिए मैंने जो है वो पेस्ट डाल दिया। पूरी रेसिपी में जितना यूज़ होता है उतना ही मैंने डाल दिया है अभी इसमें, और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर साथ में मैं दाल भी चढ़ा रही थी और दाल को अभी मैं निकाल लिया है थोड़ी विजल्स के बाद, सीटियों के बाद, लेकिन अभी ये अच्छे से टेंडर नहीं हुई थी, तो फिर थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे रख दूँगी। और साथ में मैंने दूध भी गर्म कर लिया था तभी। और यहाँ पर अभी जो है वो अम्मी चावल चढ़ा रही थी और अभी चावल जो है वो पक रहे थे, तो अम्मी ने कहा कि तब जब तक तुम ये बना लोगी तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ। फिर अम्मी ने जो है वो मुझे प्याज टमाटर काट कर दिए, उन्होंने ही मुझे कट कर दिए हैं। उनको पता है कि मैं लेट कट करती हूँ, कटिंग में मैं बिल्कुल बेकार हूँ, इसलिए तो उन्होंने ही काट कर दे दिए। और चिकन भी उन्होंने वॉश कर रख दिया था। और यहाँ पर जो है वो मैं दाल को तड़का लगा रही थी, अभी जो है वो दाल पीसनी बाकी थी, मतलब जो दाल घोटनी से पीसते हैं ना तो वो बाकी था, नीचे मैंने लेकर मैंने रख दिया था दाल को। और यहाँ पर तड़का लगा कर रख दूँगी, ये ठंडा हो जाएगा तो फिर दाल उबाल आने के बाद दाल में इसमें मैं डाल दूँगी, वरना ये चटक करना एकदम से ये तेल बाहर आने लगता है। दोनों में से कोई एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए, एक गर्म होनी चाहिए, तो फिर दाल गर्म रहेगी तो फिर तड़का लगाने में और देर हो जाएगी। और टाइम भी बहुत हो रहा था, 3 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा था और अभी तक जो है वो अब्बू भी आ चुके थे, अभी तक खाना रेडी नहीं था। और इसका ब्लेम जो है वो मुझे ही ठहरा सकते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है खाना वगैरह पकाने का, इसलिए। और यहाँ पे मैंने तेल गर्म कर लिया था, 2 मैंने उसमें डाले तेज़पत्ते, 2 डाली मैंने काली मिर्ची, 2 डाली मैंने ग्रीन कार्डमम हरी इलायची, और उसके साथ जो है वो लौंग 2 डाले मैंने। इन सबको ना महक आने तक, जब तक इसकी फ्रेग्रेंस नहीं आती तब तक आप इसे भून लें, एरोमेटिक जब तक इसकी नहीं आती, एरोमेटिक नहीं होता ये तब तक,
उसके बाद यहाँ पर प्याज ऐड कर दें। मैंने दो प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, तो फिर उन्हें ऐड करके मैंने अच्छे से लाइट ब्राउन हो रही थी ना, तब मैंने उसमें टमाटर डाले। और टमाटर डालने तक मेरी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी थी, लेकिन आपने इसे लाइट ब्राउन ही रखना है। यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के ही, और इस तरह से आप आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो डाइस में स्मॉल काट सकते हैं, मतलब बारीक से डाइस आप काट सकते हैं टमाटर की, आपकी चॉइस है। और प्याज भी चाहे तो आप वैसे ही काट सकते हैं। और साथ में हम नमक और हल्दी भी डाल देते हैं। नमक जो है वो कहते हैं ना कि नमक टमाटर गलने में हेल्प करता है, तो फिर नमक जो है वो टमाटर की चटनी बनाते हैं तो तब भी नमक साथ में ही डालते हैं टमाटरों के। और यहाँ पर जो है वो हल्दी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी और डाल दी। और इसे ना भून लेंगे लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे ढककर। और तब तक जो है वो टमाटर टेंडर नहीं हो जाते, मतलब गल नहीं जाते अच्छी तरह से। तब तक यहाँ पर देख लें मैंने दाल रेडी कर ली है। दाल को मैंने घोट लिया था, जो दाल घोटने से घोटना होता है तो वो कर लिया था। फिर अब मैंने इसमें इमली का जो इमली भी मैंने भीग सोक करने के लिए रख दी थी, तो मैंने अमीन से कहा कि इस तरह से आप दाल को जो है वो पानी डाल दें इमली का, तो फिर अमीन ने बनाकर मुझे दे दी। फिर यहाँ पर मैंने धनिया डाला इसमें, धनिया मुझे दाल में बहुत अच्छा लगता है, मेरी नानी भी डाला करती थी, तो बस मेरी दाल ना लगभग नानी की जैसी होती है। तो फिर मैंने इसमें डाल दी धनिया, और अब इसमें एक उबाल आने के बाद मैं इसे तड़के में डाल दूंगी इस दाल को। और यहाँ पे देख लें मेरे टमाटर भी जो है वो गल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने जो है वो छोड़ दिया था थोड़ी देर, इसलिए ये थोड़ा सा चिपक रहे हैं, मतलब थोड़ा सा स्टिक हो रहे हैं नीचे। कोई बात नहीं, मैंने जो है वो ये नॉनस्टिक थोड़ा सा निकल रहा है मेरी कढ़ाई से, इसलिए ऐसा हो रहा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और यहाँ पे जो है वो मैंने ये जो हमने पीसा हुआ था मसाला वो हमने जो प्रिपेयर किया था वो डाल दें। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एवरेस्ट पाउडर डाला है, ये वीडियो क्लिप में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैंने एवरेस्ट का चिकन मसाला डाला है। और हरी मिर्चें डाली है मैंने दो, और थोड़ी सी मैंने रख ली है, मैं लास्ट में उसे डालूंगी जब ये डन हो जाएगा तब। और थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला डाला है, आपकी चॉइस है, आप ना डालना चाहो तो ना डालो, वैसे रेसिपी में ये कोई है नहीं, मैंने बस अपने से डाला है, क्योंकि है चिकन की रेसिपी तो मैंने सोचा कि जो चिकन मसाला डाल देते हैं। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची भी ऐड की है, और अब इनको ना पकाएंगे। और ये टमाटर जो है वो गल चुका है, तो इसमें अब चिकन डालेंगे हम। यहाँ पर देख लें, ये मैंने हाफ केजी चिकन लिया है, मतलब 500 ग्राम्स, और इनको जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था, तो अब इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी था तो बस मैंने वो निकाल लिया है। और इसमें ना कलेजी है, जो दिल होता है वो है मुर्गी का, और बोनलेस बोन मिक्सिंग जो मिक्सअप वाला चिकन होता है वो है मेरे पास। आप चाहे तो बोनलेस से बना सकते हैं, और ये पहाड़ी चिकन इतना मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। और साथ ही मैं यहाँ पे पानी भी मैं ऐड कर रही हूँ, और अब इसे पकने के लिए रियल टाइम इसका अब आता है, पकने के लिए छोड़ना होता है अब इसे। एंड यहाँ पर ये जो है वो सिस्टर आ रही थी, यहाँ पर मैं कैमरा ऑफ नहीं हुआ इसलिए। एंड यहाँ पर अब मैं इसमें मिर्च डालना भूल गई थी, लाल मिर्च डालना भूल गई थी, तो बस अब मैं डाल रही हूँ। और मैंने अम्मी से पूछा कि इसमें कितनी डालना है, तो अम्मी ने कहा कि 1 टीस्पून डाल दो, तो फिर डाल दी मैंने। और उसके बाद मैंने जब तक ये पक रहा था मैंने नहीं बताया, फिर सिस्टर ने आकर जो है उसे देखा, फिर उन्होंने कहा कि ये पक चुका है, तो अब मैं ऊपर से इस पर डाल रही हूँ हरा धनिया, ये मैंने रखा हुआ था, और ये ग्रीन चिलीज मैं डाल रही हूँ ऊपर से। और इसके बाद हम इसे दम पर छोड़ देंगे, और यकीन माने ट्रस्ट मी ये इतना टेस्टी बना था और सबको बहुत पसंद आया था, ये देख लें। और आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, देन आपने इसे ट्राई करना ही है। और इसमें ना तेल ज़्यादा ही डलता है, जिस जिस का मैंने देखा उन्होंने तेल इसमें ज़्यादा ही ऐड किया है, तो इसलिए मैंने ऐड ज़्यादा किया है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।